हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला, मैं आपका मेक हेल्दी इंडिया चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको आईवी सेट को वीगो और आईवी फ्लूड से कैसे कनेक्ट करते हैं। उससे पहले आइए देखते हैं वीगो के पार्ट क्या क्या होते हैं। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये लुअर प्लग होता है, ये फ्लश बैक चेम्बर होता है। जब हम वीगो को लगाते हैं, यहाँ थोड़ा सा ब्लड आता है तो हमें पता लगता है कि वीगो नस वेन में चला गया है। अब निडल ग्रिप होती है, इसी की तरह निडल को आगे पीछे करके बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये लुआ कनेक्टर होता है, इसी की तरह आईवी सेट का कनेक्टर इससे फिट होता है। ये इंजेक्शन कोड कैप होता है, इसी यहाँ से इंजेक्शन देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। ये विंग्स होते हैं इसके, तो वीगो के विंग्स होते हैं जिससे फिक्स मतलब फिक्स रहता है। यहाँ पे वाल्व लगा होता है, देखिए वाल्व की जगह होती है। ये एक प्लास्टिक कैथेटर होता है, ये निडिल होती है। आइए देखते हैं आईवी सेट के पार्ट क्या क्या होते हैं। आईवी सेट के पार्ट में क्या था, एक आइए देखते हैं वीगो की तरफ। वीगो साइड से कौन ये है, इसके ऊपर निडिल होती है, ये कैप दिया गया है, ये निडिल होती है, निडिल के ऊपर कैप लगा था, इसको हटा देते हैं। ये कनेक्टर था जो जो वीगो से कनेक्ट किया था। यहाँ से इंजेक्शन भी दे सकते हैं। एपीबीसी ट्यूब होती है, ये रोरल होता है जिससे फ्लूड को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं ये जो स्पाइक, स्पाइक के थ्रू हम इसको आईवी फ्लूड से कनेक्ट करते हैं। यहाँ एयर वेंट होता है जिससे थोड़ा एयर निकलती है, जिससे फ्लूड उससे आईवी फ्लूड आता रहे। ये ड्रिप चेम्बर में ड्रिप चेम्बर होता है और ड्रिप चेम्बर में सोल्यूशन फिल्टर होता है। ये टोटल आईवी सेट होता है। अब आके देखते हैं इसमें दो आईवी सेट, एक होता है माइक्रो ड्रिप सेट होता है, माइक्रो ड्रिप सेट होता है। माइक्रो ड्रिप सेट और आईवी सेट में अंतर ही होता है। इसमें क्या होता है, दोनों माइक्रो और माइक्रो ड्रिप सेट में एक बलूम कंट्रोल चेम्बर होता है। ये जो देख रहे हैं, ये वॉल्यूम कंट्रोल चेम्बर होता है, उसके बाद माइक्रो चेम्बर होता है, उसके नीचे माइक्रो चेम्बर, बाकी सेम चीज़ें आईवी सेट के तहत होती हैं। आइए देखते हैं आप कैसे इसको आईवी सेट को कैसे उससे फ्लूड से कनेक्ट करते हैं और वीगो से कनेक्ट करते हैं। पहले तो क्या होता है, चेक द फ्लूड प्रिस्क्रिप्शन चार्ट इफ़ अप्रोप्रिएट। फ्लूड चार्ट को जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, डॉक्टर ने जो दिया उसको देख लेते हैं। चेक द फ्लूड इन बैग एंड एक्सपायरी डेट, उसके एक्सपायरी डेट को चेक करते हैं और फ्लूड बैग को चेक, कहीं लीकेज तो नहीं है। उसके बाद क्या, रिमूव द फ्लूड बैग फ्रॉम द पैकेजिंग एंड हैंड इट द ड्रिप स्टैंड। अब क्या होता है, उसके पैकेजिंग को हटा के फ्लूड को ड्रिप स्टैंड में टांग देते हैं। फिर रिमूव द गिविंग आईवी सेट के पैकेजिंग को खोल लेते हैं। फिर रिमूव द प्रोटेक्टिंग कवरिंग फ्रॉम एग्जिट पोर्ट एट द बॉटम एंड ऑफ द फ्लूड, जो आईवी फ्लूड दिया है उसके उसके एग्जिट पोर्ट के कवरिंग को खोल देते हैं। फिर रिमूव प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम द लार्ज एंड पॉइंटेड एंड ऑफ द गिविंग आईवी सेट की जो स्पाइक की तरफ की होते हैं उसकी कवरिंग को कैप को हटा देते हैं। ड्राइव द लार्ज पॉइंटेड एंड ऑफ गिविंग आईवी सेट इनटू द एग्जिट पोर्ट एट द बॉटम एंड ऑफ द आईवी फ्लूड। अब स्पाइक आईवी सेट के स्पाइक को आईवी फ्लूड में कनेक्ट कर देते हैं। रिमूव द प्रोटेक्टिव कैप फ्रॉम द एंड ऑफ द आईवी सेट की जो स्पाइक की तरफ का होता है, जो आईवी सेट की तरफ जो फ्लूड में लगता है उसकी तरफ को प्रोटेक्ट कैप को हटा के उसको आईवी सेट आईवी फ्लूड में लगा देते हैं। अब रूरल को क्लोज कर देते हैं जैसे फ्लूड का लॉस ना हो। अब ड्रिप चेम्बर जो होता है उसको थोड़ा दबाते हैं, फिर उसको रिलीज करते, उसमें थोड़ा सा आधा आधा वो फिल हो जाए। फिर ओपन द रोलर रन थ्रू द गिविंग आईवी सेट एक्सपेल एनी एयर बबल। अब उसको रोलर को खोल देते हैं जिससे निडल के एंड से फ्लूड निकले, जो एयर बबल्स उसका निकल जाता है। फिर रोरल को बंद कर देते हैं और निडल साइड के कनेक्टर को वीगो से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये देखिए, ये वीगो का जैसे पार्ट है, अब ये है प्रोटेक्टर, ट्रोकार दिया गया है, ड्रिप चेम्बर दिया गया है, फ्लोर कंट्रोलर दिया गया है। ये उसी वीगो का ही, जैसे मैंने अभी सेट का पार्ट बताया था, वही पार्ट इसमें दिया गया है। अब हमारा आईवी से फ्लूड स्टैंड में टक गया, अब उससे कनेक्ट कर दिया और दूसरी साइड उसका जो है वीगो से कनेक्ट कर दिया।
अब आइए आगे देखते हैं। आप क्या करते हैं, आप जब प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो पेशेंट्स देखते हैं कि पेशेंट कंफर्टेबल है, आरामदायक पोजीशन, कोई दिक्कत तो नहीं उसे, पेशेंट को थैंक्स बोलते हैं और जो भी कूड़ा कचरा सब होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फ्लूड चार्ट में साइन करते हैं। प्रिस्क्राइबिंग इंट्रावेनस फ्लूड, सिंपल फ्लूड कैसे करते हैं, फ्लूड को प्रिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो क्या करते हैं, इंस्पेक्ट द पेशेंट फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। पहले डिहाइड्रेशन की साइन देखते हैं, पहले वो लुक एट टंग, उसका टंग देखते हैं, स्किन का टर का प्रेशर देखते हैं और एसेस द पेशेंट का पल्स देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं और जीबीपी देखते हैं। तीसरे नंबर पर चेक द पेशेंट यूरिन आउटपुट, पेशेंट का यूरिन आउटपुट देखते हैं। चौथे नंबर के पेशेंट का यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं। और पांचवें नंबर के डिवाइस फ्लूड रिजाइन अकॉर्डिंग टू योर फाइंडिंग एंड टू द ओवरऑल क्लिनिकल सिचुएशन। अब पेशेंट की ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं, उसकी फाइंड लैब रिपोर्ट को देख लिया, पेशेंट की यूरिन आउटपुट को देख लिया, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट को देख लिया, ब्लड प्रेशर देख लिया, पल्स देख लिया, जेबीपी देख लिया और पेशेंट की कंडीशन देखने के आधार पर उसका फ्लूड डिसाइड कर देते हैं। फ्लूड डिसाइड करने के बाद मॉनिटर द 6 नंबर पे क्या, मॉनिटर द पेशेंट पल्स, पेशेंट की पल्स मॉनिटर करते हैं, बीपी मॉनिटर करते हैं, जीबीपी मॉनिटर करते हैं, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करते हैं, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट को एज अप्रोप्रिएट फॉर क्लिनिकल सिचुएशन, इन सब चीज़ को मॉनिटर करते हैं, फ्लूड को घटाते बढ़ाते रहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब क्या हो तो माइक्रोड्रिपसेट जो होता है, माइक्रोड्रिपसेट में 1 ml जो हम माइक्रोड्रिपसेट में जब फ्लूड को फ्लो कंट्रोलर से सेट करते हैं तो उसके 15 से मतलब इसमें 15 15 ड्रॉप दी गई है, 15 ड्रॉप पर मिनट 1 ml के बराबर होता है, 15 से 18 ड्रॉप। और वही माइक्रोड्रिपसेट 1 ml 60 ड्रॉप पर मिनट के बराबर होता है, 60 किसी में 64 होता है। आइए कैलकुलेशन करते हैं। जैसे ए पेशेंट इज रिसीविंग 300 ml नॉर्मल सलाइन IV ओवर 5 आवर यूजिंग ट्यूबिंग विथ माइक्रोडिपसेट ऑफ 60 ड्रॉप पर ml, हाउ मनी ड्रॉप पर मिनट शुड बी डिलीवर्ड। इसका फार्मूला होता है फ्लो रेट जो होता है टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट इक्वल टू ड्रॉप पर मिनट होता है। जैसे इसमें टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम क्या है, 300 ml है और कितने घंटे में, 5 घंटे में, 5 घंटे को 5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 × 60 कर लेंगे, 5 × 60 कर लेंगे और ड्रॉप फैक्टर क्या दिया गया है, 60, मतलब माइक्रोडिपसेट उसका ड्रॉप फैक्टर क्या होगा, 60। जैसे दिया गया ड्रॉप फैक्टर निकाल लिया, टाइम इन मिनट दिखा निकाल लिया और टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम निकाल लिया, अब पुटअप फ्लो रेट में पुटअप कर दिया, आ गया 60 ड्रॉप पर मिनट। अब इसको इन्फ्यूजन में चलाना होगा, इस इन्फ्यूजन पंप से चलाना होगा तो 300 ml 5 घंटे ना 300/5 × 60 ml पर आवर चलना रहेगा। ये कैलकुलेशन का तरीका होता है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और बताने की कैसे फ्लूड को सेट करते हैं, कैसे फ्लूड की चार्टिंग करते हैं, कैसे फ्लूड को प्रिस्क्राइब करते हैं और कैसे कैलकुलेट ड्रॉप को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों आप जो भी कमियां रहेगी आप वीडियो में देख के समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद मित्रों।